नमस्कार मित्रों, धोरण बे पाठ शेरनी लालच विषय आपणे जोईशुं। एक जंगल हतो, तेमां गधेड़ानो एक परिवार रहेतो हतो। एक दिवस तेनी पत्नीए शेर विषे पूछ्युं। तेणे शेरनी झाकम झाड़नी वात करी, तेमणे शेरमां जवानुं नक्की कर्युं। चित्रमां तमे जोई शको छो, गधेड़ो, गधेड़ानी पत्नी अने एना बे बाळको छे, तमे चित्रमां जोई शको छो। तो आ परिवार शहर तरफ जवा चाली निकळ्यो। रस्तामां एक गाम आव्यु। आ गाममां एक मफतियो रहे। तेणे आ गधेड़ाना परिवारने नाचतो कूदतो जोयो। आवा हट्टाकट्टा अने तगड़ा गधेड़ाने जोई मफतियो ललचायो। तेणे गधेड़ाने पकड़ी लीधा। मफतियाए गधेड़ाने मेळामां वेची दीधा। खरीदनारे पोताना ईंटवाड़ामां काम करवा माटे गधेड़ा खरीदी लीधा हता। शहेरमां तो एक बाजु रह्युं जवानुं। गधेड़ानो परिवार साथे अधवच्चे फसाई गयो। गधेड़ा साथे परिवार ने पण गुलामीमां पड़वुं पड्युं। गुलामीथी घेराई गयो। હવે તેના દુઃખના દાડા આવ્યા। તેને યાદ આવ્યું આના કરતાં જંગલમાં ઘણી આઝાદી હતી। હવે તેને થયું કે લોભ લાલચમાં આવી શેરની વાટ પકડીને પોતે ઊલમાંથી ચૂલમાં પડ્યો। પોતાનો પરિવાર ને પણ પોતે હેરાન કર્યો। એટલે મિત્રો, પાઠ પરથી આપણને શીખ મળે છે કે જે જગ્યાએ છીએ તે જગ્યા ખૂબ જ સારી છે।